हेलो गाइस, तो दोस्तों आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरा दूसरा मीटअप है। मैंने अपने वेक अप टू रियलिटी। सबको सही लग रहा है, आपको गलत लग रहा है? सबको लग रहा है मैं उधर हूँ, मैं तो इधर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। क्योंकि वो आपके लिए नहीं, मिस्टर इंडनाकर और क्रेजी एक्स वाई जेड के लिए है। खाम खा का हुआ बना। हेलो गाइस, तो दोस्तों आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरा दूसरा मीटअप है। मैंने अपने सारी सोशल मीडिया हैंडल्स पे बता दिया था कि मैं अपना बहुत ही जल्द सेकंड मीटअप रखने वाली हूँ और वो आज ही है। और मैंने ये मीटअप रखा है जयपुर के। पहला मीटर आपका जो दिल्ली में हुआ था, जो एल्विस यादव को ब्लॉक उठाएगा अपना सीधा पूरा का पूरा कट कट करके जहाँ पे एल्विस भाई की शक्ल ना दिखे डाल दिया। आपके एडिटर और आपको 21 तोपों की सलाम। अंदर आपको पता है पिछले मीटअप जो मेरा फर्स्ट था वो दिल्ली के अंदर था और इतने सारे लोग आ गए थे, तो इस बार देखते हैं जयपुर में कितने लोग आते हैं। अभी मैं अपने घर पे हूँ, मेरे को जयपुर के लिए निकलना है, फिर वहाँ पे जाके मीटअप। दीदी, पहला मीटअप आपका नहीं बल्कि एल्विस भाई का था, जो आपने क्लिप करके अपने एडिटर को कह के बनवाया था अपना मीटअप, मगर उस पूरे मीटअप में आप कहीं पे भी एक भी वीडियो नहीं दिखी थी और न किसी के साथ फोटो लेते। हमारे से भ्रम था या गलती या हमारे नैनो को दिखा नहीं, मगर आप पूरे वीडियो में कहीं ये बता दूं आपको करेंगे एंड मैं खूब सारी मस्ती करने वाली हूँ आप सब लोगों के साथ में। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो गाइज लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि बहुत सारे लोग आए। एंड अपनी तरफ से तो हमने तैयारी करी है सिक्योरिटी वगैरह की, बट हाँ भाई देखते हैं क्या होता है। हाँ ये कर लो पहले, अरे लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। ऐसा ना हो कि भाई कोई भी ना आए, भाई ऐसा ना हो बिल्कुल भी, चल निकलते हैं। तो भाई मैं अभी मीटअप के लिए बताई गई लोकेशन के अपोजिट साइड में हूँ और आप देख सकते हैं उस साइड कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। मतलब बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है इतनी भीड़ देख के, बट उस साइड जाना तो पड़ेगा ही। आपका मीटअप होगा ना कहीं पे भी, तो एक बंदे ना है वहाँ पे उठ के कहेंगे सारी वीडियो तो उठा उठा के दूसरे भी डालती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसके पे मस्ती मस्ती होगी या आप वहाँ पे भी अपने कंटेंट के लिए किसी को जान से मार डालोगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठाके अपना मीटअप बताओ। जैसे ही मेरी गाड़ी मीटअप की बताई हुई लोकेशन पे पहुंची, सारे लोगों ने मुझे घेर लिया एंड आप लोग देख सकते हैं वहाँ काफी ज्यादा भगदड़ मच गई। बहुत सारे लोग आए हुए थे जो कि मेरी गाड़ी को खड़े होकर मतलब घेर के खड़े हो गए थे एंड मैं थोड़ा सा डर भी गई थी। और मतलब इतनी ज्यादा भीड़, इतना तो दिल्ली मीटअप में भी नहीं हुआ था जितना इस बार हो गया था। एंड बहुत सारे लोग थे, बहुत ज्यादा इनसेन क्रेजी भीड़ थी भाई। अब मीटअप में गई हो तो कॉलेज का नाम क्यों नहीं बता रही? किसी कॉलेज में रहो, किसी ऑडिटोरियम में, वो तो पूरी वीडियो में कही नहीं। अब बोले हो हाँ, ये पूरी वीडियो देखने के बाद वापस बना रहा हूँ उसका वीडियो। पहले क्लिप में तो कोई लोग नहीं थे, सिर्फ गाड़ी दिख रही, और दूसरी क्लिप उठा के कट करके डाली हो। ये तो दूसरी क्लिप है जो कट करके आपने डाला है, जिसमें तो भीड़ दिख ही रही है, वो आपकी नहीं है भीड़। ठीक है, तो थोड़ा सच भी बोल लिया। ओके, फायर जोन का मीटअप हो तो सही से बता रहा हूँ, एक भी लोग पब्लिक नहीं पहुँचती, पहुंच जाती इक्के दुक्के अपनी भड़ास निकालने, जिनके ऊपर उन्होंने वीडियो बनाए इतनी बढ़िया बढ़िया, आप उनके चैनल पर जाके देख सकते हैं। बड़ी मुश्किल से मेरे को आगे तक जहाँ पे मैं खड़ी होके बात कर सकूँ लोगों से, वहाँ तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे जो भी मेरे साथ में थे बॉडीगार्ड्स वगैरह। उसके बाद मैं एक हॉल में चली गई जहाँ पर मैं अपने फैंस के साथ मिल सकती थी, मीटअप वगैरह कर सकती थी, लेकिन भाई यहाँ पे भी मीटअप पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सब लोग मतलब मेरे को घेर के खड़े हो गए। ये हॉल के बाहर का सीन देख लो आप, इतनी ज्यादा भीड़ थी हॉल के बाहर, हॉल के अंदर, हर जगह बहुत सारे लोग आ गए थे। मीटअप में आपसे तो यहाँ पे लड़का क्यों दिख रहा है? ओ मैडम तो छुप गई होगी भीड़ में, मगर इसमें भैया भैया क्यों कह रहे हैं? पायल जोन कहना चाहिए था ना, या मैम कहना चाहिए था, मगर नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मीटअप इनका होगा जब तो बोलेंगे कोई पायल जोन। एक एक फोटो एक हा? एक फोटो। ये भी ये तो कार में से तो लड़का निकला, वहाँ पे तो पायल जोन थी नहीं। हाँ पायल जोन तो वहाँ पे थी, दूसरे के मीटअप की वीडियो की क्लिप कट करके अपना बनाने के अपना बताने के लिए बैठी होंगी, और साथ में इनका वो एंड मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मतलब थोड़ा सा डर तो जाते ही है ना भाई, हम लड़कियां हैं। क्या बात है जी, एक्टिंग की बात।
ये वीडियो भी मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने बना के भेजी है, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था उस दिन वीडियो बनाना, क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा लोगों से घिर चुकी थी, मेरे को लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था, जिसकी वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, वरना मैं वीडियो बनाना चाहती थी मीटअप का, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए मेरे सब्सक्राइबर्स ने इंस्टाग्राम पे ये वीडियो भेजी है जो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, आप देख लो। भाई रुक जाओ शांत, हो जाओ शांत। भाई एक सेकंड शांत। भाई कहना तो एक भी जगह शक्ल दिखा ना, एक भी जगह फेस। अरे आपका मीटअप था जो आप यूट्यूब पे डालती वीडियो, जो कि आपने डाला, मगर वो भी अपनी नहीं। चलो माना भी आपने कहा इंस्टाग्राम को, ठीक है, आप एक भी जगह अभी तक पूरे क्लिप में नहीं दिखे, और वो देखा तो कोई लड़की दिखी, छोटी सी बच्ची और साथ में, शकल क्यों काट रखे हो ना, तो पूरा डालते वीडियो। अरे जो फैन दिख रहे हैं ना, वो सारे आप मिस्टर इंडियन हैकर और क्रेजी एक्स वाई जेड के हैं दीदी, आपके नहीं है। थोड़ा सच बोल लो, झूठ ना बोलो। बड़ी मुश्किल से एंड में जाके हम एक दूसरे हॉल में पहुंचे जहां पर हम लोगों का मीटअप पॉसिबल हो पाया, एंड बहुत मजा आया। हाय गाइस, सो दोस्तों मैं अभी थोड़ी देर पहले गाड़ी से उतर के आप गाड़ी में पहुंच गए, क्या चक्कर है कि एक ही क्लिप को उठा उठा के आगे डाले, जब क्लिप नहीं मिल रही वीडियो की। मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए मेरे सब्सक्राइबर्स ने इंस्टाग्राम पे ये वीडियो भेजी है, मगर आप पूरे वीडियो के समझ लो एंडिंग होने वाली है, मगर आप पूरे वीडियो में अभी तक जितना भी देखा हूँ उसमें तक दिखे नहीं। हाँ बस एक एक अपनी अपनी क्लिप काट काट के वीडियो के हल्के से क्लिप रिकॉर्ड कर करके, अभी आपने खुद ध्यान से बोला मीटअप था इंस्टाग्राम पे, मगर ये सारे फैन तो भैया भैया कह रहे, क्यों आप लड़का हो? ब्लॉग खत्म हो गया, मगर एक भी जगह पायल जुड़ना तो किसी के साथ वीडियो में भेजती दिखी, ना ही किसी के साथ फोटो लेते हुए, और ना ही किसी इनके फैन के द्वारा भेजा हुआ इंस्टाग्राम पे वीडियो में दिखी। ऐसा साफ साफ मतलब तो आप लगा ही सकते हो जो इनको फॉलो करते हैं। धन्यवाद।